वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एलिजाबेथन एज के बारे में बताऊंगा। एलिजाबेथन एज क्या है और इसका कब से कब तक पीरियड रहता है। तो ये एज 1558 से 1603 तक रहती है। अब एलिजाबेथन एज को किस तरह डिफाइन करेंगे? रेनेसा पीरियड का वह भाग जो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के समय में घटित हुआ, वह एलिजाबेथन एज के नाम से जाना गया। दोस्तों, इस एज में कॉमर्शियल ग्रोथ एवं रिलीजियस कंट्रोवर्सी, इस एज में कॉमर्शियल ग्रोथ एंड कॉमा रिलीजियस कंट्रोवर्सी के साथ साथ इंग्लिश स्टेज ड्रामास एंड लिरिकल सॉन्ग्स का सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ था। तो जो जो स्टेज थिएटर थे वो डेवलप्ड हुए, ड्रामास डेवलप्ड हुए और लिरिकल सॉन्ग्स बेहतरीन रूप से चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। दोस्तों, इसी डेवलपमेंट के और ग्रोथ के चलते इस एज को द गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर एवं द नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा गया था। इसी एज में ही सिडनी स्पेंसर शेक्सपियर मार्लो बेकन बेन जॉनसन तो एवं जॉन डॉन सिडनी स्पेंसर शेक्सपियर मार्लो बेन जॉनसन जॉन डॉन जैसे महान स्कॉलर्स
अपने अपनी लेखनी के माध्यम से इस एज को स्ट्रांग बनाते हैं। बेकन जो अपने आप में उस समय के सबसे महान राइटर्स माने जाते थे, जिन्होंने अफोरिस्टिक ऐसे लिखे और अफोरिस्टिक टर्म अफोरिज्म टर्म का कॉइनेशन किया, बेन जॉनसन जिन्होंने ह्यूमर पर कार्य किया, इन्हें मास्टर ऑफ ह्यूमर कहा जाता है। जॉन डोन की लेखनियों ने बर्च ने भी धूम मचा दी थी। जॉन डोन जिन्होंने मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का प्रोपाउंडेशन किया या कॉइनेशन किया। दोस्तों यह एज रेनेसा से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। रेनेसा किंग्स के कोर्ट्स एवं यूनिवर्सिटियों से निकल करके आम पब्लिक प्लेस तक पहुंचा, स्ट्रीट तक पहुंचा, और जो प्रिंटिंग प्रेस थी इस समय, उस प्रिंटिंग प्रेस ने जो क्लासिकल एजुकेशन थी, क्लासिक्स का जो ज्ञान था, उसे बेहतर रूप से डेवलप किया, फैलाया। दोस्तों जो बाइबल था, इंग्लिश बाइबल भी आम जनता की पहुंच तक आ गया था। इस प्रकार से इस एज में रिलीजियस एंड रिलीजियस इंटरेस्ट एंड मॉरल अर्नेस्टनेस नैतिक ईमानदारी चरम सीमा पर डेवलप्ड हो गई। दोस्तों इसी समय में ड्रेक हॉकिंस एंड रैलिक रॉलिक जैसे महान राइटर्स ने टेल्स लिख करके इस एज में रोमांस क्रिएट कर दिया। रोम का जो विदेशी शासन था, वो रोम का विदेशी शासन इसी एलिजाबेथन एज में ही समाप्त हुआ था। और जो कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स लोगों में जो फ्यूड रहता था, जो खूनी संघर्ष रहता था, फायर्स फ्यूड्स रहता था, जो दुश्मनी रहती थी,
ये इसी एज में ही समाप्त हुई थी। दोस्तों इस एज में पोएट्स एवं महान राइटर्स ने रानी को भिन्न भिन्न तरह से एप्रिशिएट करना शुरू कर दिया था। विलियम शेक्सपियर जो प्रिंस ऑफ पोएट्स एंड किंग ऑफ ड्रामाटिस्ट्स के नाम से जाने जाते हैं, इस किंग ने महारानी एलिजाबेथ को गॉडेस ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ एंड फेयर कहकर संबोधित किया। जब शेक्सपियर साहब ने वीनस और वीनस एंड एडोनाइस नेम की नैरेटिव पोइम लिखी तो महारानी एलिजाबेथ ने इनको रिवार्ड दिया। दोस्तों महारानी एलिजाबेथ को रेलिक ने भी सिंथिया कहकर संबोधित किया था और एडमंड स्पेंसर ने महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को ग्लोरियाना कहकर संबोधित किया था। इसके अतिरिक्त तो इस एज में दोस्तों यह देखा गया कि एलिजाबेथन जो लिटरेचर थी वो इटली से इन्फ्लुएंस्ड थी, प्रभावित थी। इस एज पर जो इस एज की लिटरेचर पर जो इंपैक्ट था वो इटली का था। अतः हम ऐसे भी कह सकते हैं एलिजाबेथन लिटरेचर हैड इट्स रूट्स इन इटालियनिज्म, इटालियनिज्म। तो इटालियनिज्म में इसकी लिटरेचर की जड़ें थी। दोस्तों इस एज में जो गैलेंट्स या बैरियर्स हुआ करते थे वो बैरियर्स अपने कल्चर और जर्नी के बारे में जानने के लिए कैटिलियन सबुक, कैटिलियन की जो बुक थी कार्टेजियानो, तो जो कार्टेजियानो थी इस कार्टेजियानो को पढ़ते थे और अपनी जर्नी और कल्चर के बारे में इंस्ट्रक्शन प्राप्त करते थे। दोस्तों इस कार्टेजियानो बुक को 1561 में थॉमस हॉबी ने थॉमस हॉबी ने ट्रांसलेट किया था।
इसके अतिरिक्त लोगों दोस्तों लोगों में बड़ा उत्साह था। एलिजाबेथन एज में हर तरह का डेवलपमेंट हो रहा था। इन सारी बातों के चलते जो महारानी एलिजाबेथन महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो दरबार था वो पॉलिटिकल केंद्र बन गया था और जितने एलिजाबेथन्स पब्लिक थी वो सब आनंद और विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगी। रानी स्वयं आमोद प्रमोद की जिंदगी जीने लगी और आध्यात्मिकता को भूलने लगी। संडे के दिन चर्च खाली होने लगे। महारानी एलिजाबेथ के दरबार में थिएटर्स में भीड़ रहने लगी। यह सब प्यूरिटन्स को बर्दाश्त नहीं हुआ। यह सब प्यूरिटन्स लोगों को बहुत खराब लगा। जब प्यूरिटन्स लोगों को यह सब कुछ खराब लगा तो उन्होंने यह सोचा कि आज परिवर्तन की जरूरत है तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट का आगमन हो गया। दोस्तों इसी समय एक महान स्कॉलर स्टीफन गॉन्सन स्टीफन गॉन्सन जो 1554 में पैदा होते हैं जिनकी डेथ 1624 में होती है। इन्होंने पोएट्री को स्कूल ऑफ एब्यूज कहकर संबोधित किया। दोस्तों जब स्टीफन गॉसन ने पोएट्री को स्कूल ऑफ एब्यूज कहा तो सिडनी को ये बेहद खराब लगा और सिडनी ने इसके उत्तर में अपनी अपोलॉजी फॉर अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिख दी। सिडनी को स्टीफन गॉसन को पोएट्री के बारे में ऐसा कहना और ये सिडनी को निमंत्रण देना था, यही कारण था कि सिडनी ने अपनी अपोलॉजी फॉर पोएट्री लिखी थी। दोस्तों इसके अतिरिक्त पोएट्स ने कविता को पोएम को काव्य को अलग अलग नाम से भी और संबोधित किया है। जैसा कि एडमंड स्पेंसर ने पोएट्री को कहा है डिवाइन गिफ्ट। और इसके अलावा शेक्सपियर ने पोएट्री को फाइन फ्रिंज कहा है। शेक्सपियर ने पोएट्री को फाइन फ्रिंज कहकर संबोधित किया है। इतना ही नहीं ड्रेटन के नाम से दोस्तों आप बड़ी बात परिचित हैं।
ट्रेटन ने पोएट्री को फाइन मैडनेस एंड क्लियर रेच कहकर संबोधित किया। फाइन मैडनेस एंड क्लियर रेच कहकर संबोधित किया था। दोस्तों इस प्रकार इस एज को इन महान लेखकों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया और पोएट्री को भिन्न भिन्न शब्दों में संबोधित किया गया। दोस्तों इस समय पोएट्री कंपोजिंग करने के लिए या वर्क्स लिखने के लिए कोई फिक्स्ड प्रोसोडी नहीं थी, तो लोग जो विद्वान होते थे, पोइट्स होते थे या राइटर्स होते थे, वह ब्लैंक वर्स में लिखा करते थे। जैसे कि विलियम शेक्सपियर की सारे प्ले ब्लैंक वर्स में लिखे हुए हैं, तो ब्लैंक वर्स में लोग लिखते थे और ब्लैंक वर्स इस प्रकार से बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। दोस्तों उस समय जो राइम्स थी वो फेमिनिन एवं मैस्कुलिन राइम्स यूज की जाया करती थी, यही यूज होती थी फेमिनिन और मैस्कुलिन राइम्स। लेकिन क्लासिकल काव्य ने इस राइम्स में से जो फेमिनिन राइम्स थी उनको निग्लेक्ट कर दिया, उस जेनर को निग्लेक्ट कर दिया। इस प्रकार से इन माहिन राइटर्स ने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की एज को स्ट्रांग और शक्तिशाली बनाया। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आपसे हम फिर कभी अगले वीडियो में विजिट करते हैं।